प्रदेश के अंदर जो सरकार ने छात्र संघ चुनाव बंद कराए, सबसे पहले तो सरकार के निर्णय की मैं कड़ी निंदा करता हूं और मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान विश्वविद्यालय के तमाम छात्र नेताओं का जो किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। वो विश्वविद्यालय का चुनाव, कॉलेज के चुनाव और ये हमारी जो बेटियां छात्र छात्राएं बैठी है, छात्राओं ने मिलकर जो विश्वविद्यालय के आगे एक संघर्ष की शुरुआत करी और जिस दिन छात्र संघ चुनाव बंद हुए राजस्थान में, वो बीड़ा अगर किसी ने उठाया तो राजस्थान विश्वविद्यालय के हमारे छात्र नेताओं ने, छोटे भाइयों ने, छोटी बहनों ने बीड़ा उठाया कि हम चुनाव कराएंगे। इन्होंने आमरण अनशन किया, पुलिस की लाठियां खाई, मुकदमे दर्ज हुए, ये टंकी पे भी चढ़े और जान हथेली पे लेके पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने मुझे बुलाया और चूंकि आमरण अनशन कर रहे थे और ये हमारा दायित्व है कि आमरण अनशन उनके सामने किया जाता जो सरकार है संवेदनशील हो, ये संवेदनहीन सरकार है। और जब विपक्ष सत्ता पक्ष से हाथ मिला ले, जब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया और अंदर खाने ये बात कर ली कि ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और कहीं ऐसा नहीं हो कि पिछली बार की तरह जयपुर, जोधपुर और ये प्रमुख विश्वविद्यालय अपने हाथ से चले जाए दोनों के, तो किरकिरी हो जाएगी, कोई तीसरी ताकत खड़ी हो जाएगी राजस्थान के अंदर। इसलिए दोनों ने अंदर खाने बात करके चुनाव को बंद कराया। ये मूक सहमति, ये जो सहमति है भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के किसी बड़े नेता का बयान, उनका जो संगठन है विद्यार्थी परिषद, छोटे छोटे मामलों में आंदोलन करता मुझे नजर आता है, लेकिन उस संगठन ने इस छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर एक भी आंदोलन राजस्थान के अंदर नहीं किया, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मुझे जब ज्ञात हुआ कि बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है, इन्हें बार बार कमिश्नरेट डरा धमका रहा, वहाँ पे छात्र संघों की स्वायत्तता को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों की हमारी स्वायत्तता थी, एक जमाना था जब हम लोग अध्यक्ष हुआ करते थे, हमसे पहली पीढ़ी के जो अध्यक्ष थे, कहीं न कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी आज अच्छे पदों पर बैठे हैं, कुछ सरकार में मंत्री है और छात्र संघों ने देश को बड़े नेता दिए, कई स्टेट के मुख्यमंत्री छात्र संघों के माध्यम से निकले और छात्र संघों के माध्यम से जो नेता जाते हैं बेबाकी से अपनी बात भी रखते हैं, काम करने का उनका स्टाइल होता है और चूंकि वो लोकतंत्र की पहली सीढ़ी में पॉलिटिक्स के अंदर आ जाते हैं और ये उनकी एक ट्रेनिंग होती है और उसके बाद जब विधानसभा लोकसभा के अंदर जाते हैं तो निश्चित रूप से उनका एक अलग जलवा देखने को मिलता है। इस जलवे की वजह से जो लोग बिना चुनाव लड़े बिना जीते हुए उनके मन में एक कुंठा हमेशा रहती है, यार ये तो प्रेसिडेंट था, ये कॉलेज का अध्यक्ष था। तो हमने तो इसके अंदर एक बात ये रखी थी कि तमाम संगठन साथ आए और हम मिलके चुनाव राजस्थान में करवाएं। जब मैंने इनकी तबीयत बिगड़ते देखी, इन्होंने मुझे बुलाया तो मैं खुद गया और मैंने इनसे अपील की कि एक बार आप अपना आमरण अनशन समाप्त करें। इन्होंने मेरी बात मानी, दोबारा इन्होंने छात्र संघ के पूर्व अध्यक्षों का सम्मेलन कराया, दुर्भाग्य से उसमें 3-4 पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आए, लेकिन आज मुझे नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर लोग यहाँ उपस्थित नहीं है। कहीं कहीं चुनाव का समय, कोई सोच रहा कांग्रेस की टिकट मिल जाएगी, कोई सोच रहा बीजेपी की मिल जाएगी, कोई ये भी सोच रहा है कि मैं काम करूं नहीं बस खाली मेरा नाम ही हो, तो नाम ही है, बिना काम करूं मेरे पास तो हो नहीं सकता। आप भी जानते हो सर, आप जो सिस्टम में चलने वाला आदमी हो। मैंने बच्चों को ये रात को भी कहा, मैंने कहा हम बिना झंडे का आंदोलन राजस्थान के अंदर करना चाहते हैं, जिसके अंदर आप लोग आगे रहेंगे और हम आप लोगों के पीछे रहेंगे और हम सरकार पर दबाव बनाएंगे कि चुनाव की घोषणा सरकार इस साल के अंदर करे और ये सरकार जवाब दे इस बात का। मुख्यमंत्री जी ने ये तो कह दिया कि चुनाव नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे मतलब परमानेंट चुनाव राजस्थान के अंदर नहीं होंगे। जब वसुंधरा चुनाव बंद कराए थे 2004 के अंदर, तब 2009-10 के अंदर हम चुन के आए और मुझे याद है कि सबसे पहले मामला मैंने उठाया, बेल में धरना दिया और जब मैंने एक घंटे का धरना दिया तो उस समय कांग्रेस बीजेपी के जितने भी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष थे एक एक करके धरने पर आ जाए कि कहीं फोटो में पीछे नहीं रह जाए, हनुमान अकेले को क्रेडिट मिले, ये मैंने देखा था विधानसभा के अंदर। तब CM ने बोला खड़े होके कि हम चुनाव करवा रहे हैं, हो गए चुनाव। उसके बाद जिस तरह चुनाव बंद किए, कई बार हाईकोर्ट चुनाव बंद कर देता, कई बार सुप्रीम कोर्ट बंद कर देता, अब की बार सरकार ये कह रही है कि हम जो सेमेस्टर सिस्टम देश की सरकार लागू कर रही है। मुझे आप बताएं, शिक्षा जो है वो स्टेट का इश्यू है, ये केंद्र का इश्यू नहीं है। हर स्टेट अपने हिसाब से पाठ्यक्रमों में फेरबदल करता रहता है, हर स्टेट इसके लिए स्वतंत्र है, चुनाव स्टेट का हिस्सा है, वो चुनाव कराएं कि नहीं कराएं, पंचायत चुनाव कराएं कि नहीं कराएं, छात्र संघ चुनाव कराएं कि नहीं कराएं। लेकिन दुर्भाग्य से सेमेस्टर सिस्टम की बात उच्च शिक्षा मंत्री कर रहे हैं, मैंने बात करी उनसे 3 बार, मैंने कहा आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो,
कि मैं चाहता हूँ कि सेमेस्टर सिस्टम, मैंने कहा आपको पता भी है क्या ये 2020 में हो गया था सेमेस्टर सिस्टम का, तो फिर ये अभी तक चुनाव क्यों चल रहे थे। और जब सेमेस्टर सिस्टम की अपन बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय जो मोदी जी दिल्ली के अंदर बैठते हैं, इनके मानव संसाधन जो मंत्री है वो दिल्ली में बैठते हैं, जब DU के चुनाव हो रहे हैं घोषणा हो गई तो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। ये इस ओर संकेत जाता है और ये शक पैदा करता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने मिलके चुनाव इसलिए बंद कराए कि करारी हार राजस्थान के अंदर मिलेगी, इस बार ज़्यादा निर्दलीय और ज़्यादा तीसरे मोर्चे के उम्मीदवार जीतेंगे तो चुनाव में किरकिरी नहीं हो जाए, जो मिला जुले का खेल 25 साल चल रहा है वो खेल हमारा ख़त्म नहीं हो जाए, इसलिए इन्होंने दूरी बना ली। अब जब हमने छात्र संघ का वो कार्यक्रम किया इनका पूर्व अध्यक्षों का, मेरी कईयों से बात हुई, सब ने एक ही बात कही कि हम इसके अंदर हम मिलकर साथ देंगे, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज मैं देख रहा हूँ कि जो भी हमारे चाहे जो विधायक बने सांसद, और कैरियर ऐसे किसी का ख़त्म नहीं होता, और ऐसे पार्टियों में रह के भी कैरियर जिंदा नहीं होता, कई लोगों को मैंने देखा कि सबका कैरियर थोड़ा ही बनता है, किसी न किसी को तो लड़ना होगा। अगर भगत सिंह ये सोच लेते कि मुझे फांसी होगी तो भारत माता आज़ाद कैसे होती, तांत्या टोपे मंगल पांडे जैसे लोग ये सोच लेते हैं। हमें इस राजस्थान के लिए लड़ना है और मैंने ये ठान रखी है, पार्टी बना के संदेश दिया, और मैं इन छोटे भाइयों को तकलीफ में इसलिए भी नहीं देख सकता कि मेरी राजनीति राजस्थान विश्वविद्यालय से शुरुआत हुई थी, मेरी राजनीति विश्वविद्यालय अध्यक्ष के रूप में हुई थी, और उस जमाने में अध्यक्ष का बहुत बड़ा रुतबा होता था, राज्यपाल के बराबर चेयर लगती थी, मुझे याद है मालवीय नगर के अंदर जब रावण देन का कार्यक्रम था तो राज्यपाल के बगल में अध्यक्ष की कुर्सी लगी थी। लेकिन धीरे धीरे लिंगदो कमेटी ला के छात्र संघों को कमज़ोर किया गया, आज स्थिति ये हो गई कि छात्र संघ अध्यक्ष को जब चाहे वाइस चांसलर सस्पेंड कर देता है। अभी वर्तमान भी राजस्थान में जितने भी छात्र संघ चुने हुए शायद मई के अंदर इनके कार्यालयों पर रोक लगा दिए। आप चेक कर लें कि जब तक नया चुनाव नहीं होगा तब तक कार्यालय पर अध्यक्ष का ही वो रहता है, अध्यक्ष ही उस कार्यालय के अंदर अध्यक्षीप करता है, वो कामकाज करता है लोगों के, नए जो जुलाई अगस्त के अंदर बच्चे आएंगे चुनाव से पहले उनकी समस्याएं सुनते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि सरकारों को इसके अंदर मजा आने लग गया, पूरा इंटरफेरेंस सरकार ने कर लिया, कायदे से तो कुलाधिपति गवर्नर इन विश्वविद्यालयों के मालिक होते हैं, लेकिन जब कमज़ोर गवर्नर आ जाते हैं जिनको पता ही नहीं क्या हो रहा क्या नहीं, सिर्फ पढ़ गया आप कागज और सुन ले, कई जगह हमने गवर्नर देखे जो मुख्यमंत्री के सामने हो जाते हैं, हमारे गवर्नर साहब को तो बयान देते हैं, उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई, तो चूँकि ज़्यादातर गवर्नर जो बनाते हैं वो 80 पार के ही बनाते हैं, एक ले जाके बिठा दो किसी राजनीतिक से हटाना तो उसको गवर्नर बना के बिठा दो। अब मैंने तो एक बात ये भी कही थी कि गवर्नर के पद और ये भी फालतू के पद है, कितना खर्चा होता है इन पदों में बताओ मुझे, इनका चाय नाश्ता खाने का जब हिसाब किताब देखोगे ना, हमारी तो हर चीज़ आप ले आते हो, जब गवर्नर और इनका काम क्या होता है, सरकार जो लिख के देगी पढ़ना है वो तो खुद ही पढ़ लेगी सरकार पर, जब यही काम रह गया तो डाकिया का काम करते हैं गवर्नर, तो गवर्नर का पद भी हमने ये कहा कि गवर्नर का पद नहीं होना चाहिए देश के अंदर, ये फालतू का खर्चा है। प्रधानमंत्री जी आप खर्चे कम करने की बात कर रहे हो, हमारे सांसदों का तो आपने 2 साल का 10 करोड़ रुपए काट लिया कोरोना के नाम पे, तो क्या उससे कोरोना मिट गया क्या देश के अंदर? सांसद विकास कराने के लिए जाएगा जब उसके पास पैसे ही नहीं होंगे तो डेवलपमेंट कहाँ से कराएगा बताएं मुझे, लेकिन फिर भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मेरी अपील है आपसे कि गवर्नर का पद खत्म करें, फालतू के जितने भी पद हैं जिनको कोई लेना देना उनको ख़त्म करें, आपको वैसे ही शौक है कि भाई आप दो ही लोग रहें देश में तो हो जाएंगे, फिर ये करना चाहिए क्योंकि बिना काम के गवर्नर बैठे हैं। मैं इसके अंदर विशेष रूप से कह रहा हूँ, इन सब छात्र नेता जो ये बैठे हैं ये भी अपनी अपनी बात बारी बारी एक एक मिनट अपनी बात सब लोग रखेंगे, पहले मैंने इसलिए रखी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के इनको सपोर्ट मैं कर रहा हूँ, मेरी पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जी जान से इनके साथ खड़ी है। मैंने इनको ये भी पूछ लिया कि अगर आपको ऐसा लगे कि हनुमान जी के झंडे से किसी को तकलीफ है तो मैं बिना झंडे के आपके साथ आ सकता हूँ, और आपको लगे कि झंडे के साथ आंदोलन करना है तो आप लोग जैसा कहेंगे मैं तैयार हूँ। मैं पूरी ताकत के साथ राजस्थान में अभी हम जो घोषणा कर रहे हैं या अभी हम तारीख की घोषणा करें एक मिनट बाद कि हम पहले जितने भी संभाग मुख्यालय राजस्थान के उसमें यहाँ जो टीम बैठी है कुछ प्रमुख जो चेहरे हैं इनके छात्र नेताओं के, तो ये प्रमुख चेहरे राजस्थान में एक यात्रा की शुरुआत करेंगे, प्रत्येक कॉलेज विश्वविद्यालय के अंदर जाएंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे से, और जितने भी संभाग मुख्यालय हैं राजस्थान के बड़े विश्वविद्यालय हैं बीकानेर अजमेर जोधपुर कोटा
उदयपुर, भरतपुर, सीकर, अलवर जहाँ यूनिवर्सिटी है वहाँ मैं भी, अगर इनकी इच्छा होगी तो मैं भी चाहूँगा व्यक्तिगत रूप से वहाँ उपस्थिति करूँ, छात्रों की रैलियाँ वहाँ पे, नौजवानों की रैली हो, सरकार पर हम दबाव बनाएं कि छात्र संघ चुनाव हमारा अधिकार है, छात्र संघ चुनाव बहाल करो। और उसके बाद जयपुर राजधानी में 1 लाख से ज़्यादा छात्रों की बड़ी रैली हम आगामी दिनों के अंदर करेंगे, उसकी तारीख की घोषणा मैं अभी करूँगा। उससे पहले एक एक मिनट ये लोग अपनी बात रखेंगे, मैं फिर आरोप लगाता हूँ कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर छात्र संघों को कुचलने का काम किया है, वो राजस्थान की युवा शक्ति बर्दाश्त नहीं करेगी, राजस्थान का छात्र बर्दाश्त नहीं करेगा और सबक सिखाएगा दोनों पार्टियों को। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बयान तो देना चाहिए, कम से कम उनके संगठन को एक दो जगह प्रदर्शन करके, और नहीं तो एंट्री तो अपनी लानी चाहिए कि हम भी आपके साथ हैं। कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप बैठे हैं, मजा देख रहे हैं। जिस तरह की घटनाएं आपने देखी होगी, जब महेश जोशी का मामला था बीजेपी चुप हो गई, एक बीजेपी के नेता का बयान नहीं आया, प्रताप सिंह के मामले में एक नेता का बयान नहीं आया, जब परिवहन घोटाले का मामला हुआ, या मैंने ऐसे कई बजरी का मामला आप देखिए, मिला जुली का खेल राजस्थान के अंदर चला और उसकी परिणति ये हुई कि आज हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं, आज हमारा जवान नशे के अंदर डूबा जा रहा है, नए नशे राजस्थान के अंदर, जिस तरह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पहले तो शराब जो हरियाणा से राजस्थान होकर गुजरात जाती थी, आज MD इसमें जो नशीले आपकी दवाइयाँ, नशीले इंजेक्शन जिस तरह बढ़ रहे हैं, जिस तरह नौजवान ख़त्म हो रहा है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार है ये 25 साल की व्यवस्था। अब आप देख सकते हैं कि ये बच्चे टकटकी लगा के देख रहे हैं कि कोई तो आए जो हमारी मदद करे। मैं इनका भाई हूँ और मैं हमेशा इमोशनल, देखिए दिल से राजनीति करता हूँ, दिमाग से मैंने राजनीति नहीं की, इसलिए इनके बीच वापस इनके बुलाव पर आया हूँ। और मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि सरकार से चुनाव करा के ही दम लेंगे। आज तक तो हमने जो चाहा है वो राजस्थान में हुआ, चाहे बजरी माफिया हो, उसकी दरिया में दुकानें भी समेट दी, ED दफ्तर की जांच का मामला तो जल्दी उसका भी हम बीच में ही कर लेंगे, ED के अंदर वो कागज जाएंगे सारे जिनमें कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता किस तरह बजरी माफिया के पार्टनर के रूप में किस तरह 7-स्टार होटलों के अंदर इसके साथ रुकते हैं, जो काम कर रहे हैं। जिस तरह ED की एंट्री तो होती है, CBI की एंट्री होती है, लेकिन बाद में क्या होता है? कलाम कोचिंग पे आ गई ED, हुआ क्या? हो जब वो कि एक तो आके किसी को बदनाम करना और अगर मुलजिम है तो उसको पकड़ो, ये जनता जवाब चाहती है। ED CBI अपन भी कहते हैं CBI जांच करो, कोई घटना घट जाती है इसकी CBI जांच करो, अरे CBI जांचें तो कई दे दी, लेकिन मेरा एक सवाल के जवाब में लोकसभा में बताया कि आधी से ज़्यादा CBI जांचें पेंडिंग है और क्लीन चिट दे दी। तो जब CBI ED ऐसे करने लग जाएगी तो भरोसा किस पर रहेगा, बताएं मुझे? ये भरोसा उठ जाएगा। जिस तरह छात्र नेताओं का भरोसा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उठ गया और इनका भरोसा विश्वविद्यालय के उन अध्यक्षों से जो लंबी चौड़ी डींग हांकते हैं, जो लंबे चौड़े भाषण देते हैं, हम विश्वविद्यालय से विधानसभा की ओर चले। अरे चले सही, अब क्या कर रहे हो तुम लोग? ये बच्चे तकलीफ में आ जाओ ना इनको संभालने के लिए। मैं तो हूँ ही, मैं तो इनके साथ हूँ, मैं तो ये भी कह दिया था कि उन लोगों के साथ भी बैठ जाऊँगा जिन पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। अगर ये बच्चों के चुनाव का मामला हो तो हम मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कांग्रेस, BJP सहित तमाम वो दल जो इसके अंदर हमारी मदद करें, हम सब मिलकर लड़ाई राजस्थान के अंदर, कई लड़ाइयाँ मिलकर लड़ी जाती है। जिस तरह कोविड की लड़ाई थी वो मिलकर इस देश ने लड़ी, प्रदेश ने लड़ी, तो इस लड़ाई को मिलकर लड़ने की आवश्यकता थी। दुर्भाग्य से आज वो लोग नहीं आए, अगर उनकी जमीर जिंदा है तो आगामी दिनों में वो हमारे साथ खड़े मिलेंगे। तो मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि एक बार आदमी को अपने मन की निकालनी चाहिए। अभी सारी मन की निकाल रहे हैं, क्यों? BJP है नहीं, कांग्रेस अपनी चाहे जो रेवड़ियाँ बांट रही। तो एक आदेश मुख्यमंत्री ये जारी कर दे कि राजस्थान के तमाम विश्वविद्यालयों के अध्यक्ष खुद होंगे, क्या दिक्कत है? तो कम से कम मन की तो निकल जाए, इसी वजह से बच्चों को तकलीफ नहीं हो। ये उनके पीड़ा जरूर हमेशा रहती है और ये पीड़ा BJP के कई नेताओं के भी है, ये वसुंधरा जी की भी पीड़ा है, वो अध्यक्ष नहीं रही यूनिवर्सिटी की।